गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के कोर गेम प्ले में। आज अचानक से पानी के अंदर एक प्लेन आकर क्रेश हो गया, यहाँ तक कि उसके टकराव की वजह से ये बड़ा वाला ब्रिज भी गिर गया। हो सकता है उस प्लेन के अंदर काफी लोग अभी भी जिंदा हो। चलो गाइस वहाँ जाकर क्यों ना उनको बचाया जाए। कुछ लोगों को पता भी नहीं कि ब्रिज टूट चुका है, जिस वजह से वो नीचे गिर रहे। लगता है यहाँ पर पुलिस की सेना आ गई। क्यों ना मैं इसी जगह पर उतर जाऊँ, अब उनका चोपर लेकर लोगों को बचाने जाना होगा। पर वो चोपर तो पहले ही उड़ गया, शायद इसको बचा कर लाया गया है। इसके जैसे और वहाँ होंगे। पुलिस वाले तो उन्हें दूरबीन से देख रहे। मेरे को भी यहाँ से प्लेन के ऊपर लोग नजर आ रहे। उन सबको रेस्क्यू की जरूरत है। क्यों ना जल्दी से चोपर ढूंढ कर उसके ऊपर सवार हो जाऊं। आखिरकार एक चोपर मिल गया जिसकी मदद से हम पानी में जा रहे हैं और साथ में रेस्क्यू टीम भी है। ओके तो गाइस हम पहुंच गए। यहाँ से प्लेन साफ नजर आ रहा है, देखो काफी लोग दिख रहे। पर ये अचानक से चोपर को क्या हुआ, उसका तो बैलेंस बिगड़ गया। अच्छा होगा मैं इस पर से कूद जाऊं, तेरा सूट ने तो मेरे को बचा लिया। ओह नो, वो तो अभी भी हवा में घूम रहे। चलो अच्छा हुआ समय पर मैं उस पर से कूद गया। पर यहाँ से तो वो प्लेन काफी दूर है, क्यों ना वहाँ तक तैर कर मैं आसानी से पहुँच जाऊँ। यहाँ का तो पानी काफी गंदा है, हो सकता है प्लेन से तेल निकल रहा हो। चलो मैं उनके पास तो पहुँच गया, अब इसके ऊपर चढ़ भी जाता हूँ। ओ माई गॉड, ये धमाका कैसे हुआ, और प्लेन तो पानी के अंदर डूब गया। देखो धमाके से कोई नहीं बचा, पर वहाँ पर बॉडी के पास में हरे रंग का कौन सा जानवर है। गाइस ये तो हल्क है, कहीं इसी की वजह से प्लेन के अंदर धमाका तो नहीं हुआ। अच्छा होगा पौधों के पीछे छुप जाऊं, पर यहाँ पर तो सामने पानी का अजीब सा जानवर है। ओ माई गॉड, ये तो काफी बड़ी छिपकली लग रही है, एकदम मगरमच्छ जितनी बड़ी। और वो तो हमला कर हवा में फेंक रही है, ये तो मगरमच्छ से कम नहीं लग रही। इसके हाथों बच पाना तो काफी मुश्किल है, और वो तो पानी के अंदर काफी तेजी से भी तैर रही है। हो सकता है उसके अंदर हल्का खून चला गया हो, जिससे उसके अंदर पावर आ गई। देखो मेरे को मार मार कर मेरे अंदर से कितना खून निकाल लिया। पर वहाँ पर कबाड़ के अंदर आखिर पड़ा हुआ क्या है, इसके तो मशीन का चेहरा है। क्यों ना गाइस इसको कबाड़ से उठाकर थोड़ा दूर अलग लेकर जाऊं, ताकि इसको ठीक कर पाऊं। हो सकता है ये मेरे काम आ जाए। ओके तो गाइस आप देख सकते हो वो रोबोट ठीक होकर खड़ा हो गया। क्यों ना मैं इसी के अंदर घुस जाऊं। ओ भाई साहब मैं तो इस रोबोट को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। चलो यहाँ से पानी के अंदर चलते हैं, क्योंकि उस हल्का सामना भी करना है। पर वो तो यहाँ नजर नहीं आ रहा, वो तो कूद कर पानी से बाहर आ गया और वापस पानी में कूद गया। अच्छा होगा पानी से दूर जाकर यहाँ पर जमीन पर लैंड हो जाऊँ। ओ माई गॉड, वो कमीना तो जमीन पर आकर मेरे को मार रहा है। देखो गाइस रस्सी फेंक कर मेरे को पास में खींच लेता है। इसकी ताकत के सामने मेरी ताकत कुछ भी नहीं, क्यों ना हवा में उठकर भाग जाऊं। और उसने तो रस्सी से खींच लिया, लगता है इस बार मेरे को उसको ताकत दिखाना होगा। पर वो तो वापस ही आ गया, क्यों ना इसको वापस मार कर थोड़ा दूर फेंक दूं, और अब मौके का फायदा उठाकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा, ताकि वो मेरे को पकड़ ना पाए। ओ माई गॉड, वो तो यहाँ भी आ गया। ये हल्क तो मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है, देखो उठा उठा कर फेंक रहा। और वो तो सुपरमैन के जैसे हवा में भी उड़ सकता है, इतनी ऊंचाई से गिरकर मेरी मशीन टूट जाएगी। ओ भाई साहब, उसके तो एक नहीं बल्कि तीन तीन सिर है, क्यों ना इसकी गर्दन को ही पकड़ लूं। ओके तो गाइस आप देख सकते हो गर्दन पकड़ने से वो काबू में आ गया और ठीक से हिल भी नहीं पा रहा। यही अच्छा मौका है इसको मारने का, क्यों ना इसको ऊंचाई में ले जाकर नीचे जमीन पर फेंक दूं। कमोन। ओ माई गॉड, टकराव की वजह से तो पूरा जहाज टूट गया और वो हल्क भी मारा गया। चलो अभी यहाँ से घर जाकर इस रोबोट सूट को खोल देते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और चाहती हूँ मैं इसे शानदार वीडियोस बनाता रहूँ, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।